मतलब बॉलिंग करते हैं उसके जिस तरह से उसकी पर्सनैलिटी थी क्रिकेट में, मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान टीम से खेलूं, तो उसी को देख के सब कुछ। तो ये आपको आपके खानदान में कोई और खेलता है? हाँ, मेरे बड़े भाई खेलते थे क्रिकेट। तो खाने गली में खेलते होंगे, तो उनका नाम ही नहीं सुना? आपने नहीं सुना, और उन्हें सुना हुआ है। क्या नाम? तारिक अफरीदी। अरे भाई आपके? जी। अच्छा, वो तो खेल चुके हैं। हाँ, फर्स्ट क्लास खेले हैं। जी जी। जब श्रीलंका के खिलाफ आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा एक दिन का, तो किसी को मतलब किसी से नाराज थे उनमें से किसी प्लेयर से? आप नाराजी वाली बात? सूर्या से या किसी और से? नहीं, मतलब एकदम वो मैच हमारे लिए सेमीफाइनल था, हमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए थे, 360 से अबव रन करने थे, तब जाके हम फाइनल क्वालिफाई करते। तो मेरे जिस कीपर थे उन्होंने यही कहा कि जाके ये रन करना है आपको हर हाल में। मैंने इंशाल्लाह आप चांस दें, मैं करूंगा। क्योंकि अगर मैं क्रिकेट बोर्ड में होता तो आपको तो वायलेंस में मैं गिरफ्तार कर सकता, क्योंकि वो तो रैम्पेज मतलब इतना भी नहीं करना चाहिए। मैं जो आपकी इनिंग अभी दिखाई जी, तो आपने छक्के उसी तरफ मारे जिधर कुछ धूप देने के लिए कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उसी तरफ भी छक्का मार सकते थे? नहीं, साउथ अफ्रीका नहीं था, ये लाहौर के डबल विकेट टूर्नामेंट था ये वाला। अच्छा, नहीं वो तो अभी हमने ये लाहौर वाला दिखाया जो साउथ अफ्रीका की बात कर रहा है, तो जहाँ हमारे टीवी पे अक्सर हुआ जाता था, तलब वगैरह आ जाता था, फन्नी खराबी की वजह से आप देख नहीं सक रहे। और वो फन्नी खराबी मतलब आपको कैसी लग रही थी? मैं तो खेल रहा था, मुझे खराबी लगी। आप कैसी बात कर रहे हैं, वहीं से तो निकल के आप बाहर जा रहे थे। अच्छा, जब वो ढाका में कहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं शाहजहां अफरीदी से, बैनर लिए बैठी हुई है, तो वो कैसा लगता था? वो उसी हद तक सही था। तो शादी कब कर रहे हैं आप? क्योंकि ये सवाल बहुत सी खवातीन ने मुझसे पूछा है कि ये जरूर पूछूंगा। शादी का तो अभी कोई इरादा नहीं है, बता नहीं, शादी यहाँ कोई इरादे से नहीं करता, हो जाता है। ये वाहिद चीज है जिसमें इरादे की जरूरत नहीं पड़ती। तकरीबन 6-7 साल बाद इंशाल्लाह। तो मतलब किसी ज्यादा उम्र वाली से करना चाह रहे हैं? आपकी उम्र ये 6-7 साल की है अभी तक, जब तक कोई टेस्ट नहीं खेला। अच्छा, टेस्ट क्यों नहीं खिलाते आपको? उनकी अपनी मर्जी है। सईद अनवर की मिसाल आपके सामने, वो भी तकरीबन 40 वनडे खेले हुए थे, उसके बाद जाके उनको टेस्ट मैच मिला था। नहीं, वो तो हालात दूसरे थे, यहाँ भी यही हालात है। नहीं, आप बताइए ना, आप जो बॉलिंग होती है वनडे में वही बॉलर टेस्ट में भी है। हाँ जी, मगर आपको सुना आप पे असर ही नहीं होता किसी बात का, कप्तान आपसे कहे, कोच आपसे कहे कि भाई वो लोग जाएंगे नहीं, पवेलियन में ही बैठे हुए, जल्दी वापस मत आना, आराम से खेलो, मगर आप फौरन आ जाते हो 50 रन बना के, 60 रन बना के, और वो लोग दो दो तीन तीन दिन बैठे रहते हैं पवेलियन। ये बात तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कभी आपकी गाड़ी जब आप चलाते हैं, माशाल्लाह से बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं आप, कभी कराची की ट्रैफिक पे कोई इतराज हुआ? कराची के पुलिस वालों पे हुआ है, पुलिस वालों पे हुआ नहीं हुआ। मेरे अगले मेहमान है, पुलिस वालों को देखा जो सिग्नल्स वगैरह पे खड़े होते हैं, ज्यादातर उन्होंने वही गाड़ी रोकी है जो ज्यादातर गरीब लोग हों, मसलन सुजुकी वाला कोई सब्जी ले जा रहा है उसमें तो उसको रोक लिया, कोई ट्रक वाला उसको रोक लिया, किसी बड़ी चीज पे हाथ नहीं डाल रहा। ये भी दुरुस्त है, परसेप्शन ये है, इसमें सिर्फ पुलिस की मैं जिम्मेदारी नहीं ठहराऊंगा, उसमें गरीब की भी है। गरीब की गरीब की नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, एक दो मरतबा हुआ है, क्योंकि एक मरतबा आप रनआउट होने के बाद जमीन पे बैट मारते जा रहे हैं। हाँ, वो शायद मेरी गलती है। डरे मत, इसका कोई नहीं देख रहा है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं, मेरी गलती होगी। कौन सा मैच में देखा था ऐसा आपने? वो कई मैच में रनआउट कैची आउट होता। अच्छा, इंतजाम के बारे में कैसे, कितना अच्छा खेलते हैं? वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर। बिल्कुल, आप भी क्रिकेट खेलते थे? नहीं, मैं नहीं खेलता। नहीं खेलते कदम भी नहीं देखते। आप तो पोलो के प्लेयर है सलीम भाई? अच्छा, पोलो खेलते, मगर तुम का जमाना नहीं है पोलो के बारे में बातें करने, मगर अब पोलो के बारे में नहीं करते बात, मतलब बस घोड़सवारी का शौक है। तो कौन पसंद है आपको हमारे यहाँ के प्लेयर? सईद भाई खासतौर पर, वसीम भाई बेस्ट। अच्छा, जो औरतों की क्रिकेट टीम है उनमें आते हैं नाहिद बहन, उफसाना बहन कि भाई क्यों कह रहे हैं नाम ले सकते? मुझे भी आइडिया नहीं होगी उस टीम के बारे में। बहुत अच्छी टीम है हमारी।
अच्छा बहुत अच्छा गया मुझे आइडिया शर्माते क्यों हैं मतलब जहाँ लोग बैठे हुए सब आपके जानने वाले बैठे हुए भाई बैठे हुए इनके सामने शर्माते हवाई जहाज में आप बिल्कुल नहीं शर्माते नहीं अच्छा आप पता है आपको कितने लोग चाहते हैं कुछ मिला के सब पूरा प्राउड कुछ याद है तो अब सबकी दुआ ये है कि बोर्ड वालों के समझ में आए कि जब एक आदमी जिसका तस्करा दुनिया में जहां जहां क्रिकेट खेला जा रहा है वहां के कमेंट्री करने वाले आपका नाम देते हैं कि जी मगर थोड़ा सा आपका टेंपर जो है वो कहते हैं कि जी जरा से वो तेज है सुनता नहीं किसी सही हो जाएगा वक्त के साथ साथ सही हो जाएगा हम 50 वर्ष से अपने मुल्क के लिए सुन रहे हैं तो 50 साल की क्रिकेटर की जिंदगी तो नहीं होती मतलब वो तो आप 40-45 साल की उम्र में छोड़ देते हैं लोग अच्छा जी तो जल्दी कवर करूंगा हॉकी की टीम कैसी लगती है अच्छी टीम समझ मगर आप ज्यादातर पवेलियन में जो कपड़े हैं वो हॉकी टीम के पहने रहते हैं वो जांघिया पहने बैठे रहते हैं मैंने कभी नहीं पहना और पहनते अच्छा आप नहीं पहनना ही अच्छा ये सब सितारा जो लगा होता है आपके तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा अच्छा कौन सा मुल्क अच्छा लगा सबसे मजा आया खेल के ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारा पाकिस्तान बेस्ट है सबसे उसे भारत ही बजेगा इंडिया के खेल के मजा आता है हाँ जी बहुत अच्छा इंजॉय करता हूँ क्राउड बहुत अच्छा है ये तो आप इंटरवल की बात कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ मैच की जब मैच होता है तो कैसा लगता है क्राउड आपको अच्छा है अच्छा लगता है अच्छा इस वक्त मैं आपसे कहूँ कि सब दुनिया के तीन ओपनिंग बैट्समैन बताएं तो बहुत अच्छे आपके अलावा तो आप तीन का नाम लें सईद भाई सईद अनवर सईद अनवर हो गए लारा हो गया और माकवा ये अच्छे बैट्समैन है ये तो मतलब किसी नंबर पे भी आए बैटिंग करने के लिए तो ये तो दुनिया का सबसे अच्छा माकवा को तो प्रॉब्लम हुआ है अभी थोड़े दिनों पहले मतलब हुआ है जी लारा का भी एक बैच पैच था वो खत्म हो गया खत्म हो गया मगर उनको निकाला नहीं जाता उनको चांस दिया जाता है हमारे यहाँ किसी प्लेयर का अगर बैच पैच है जरा सा वो हर प्लेयर के साथ होता है उसको निकाल दिया जाता है तो ये गलत है सही सही भी है गलत भी है आपका इस मुल्क में बहुत मुस्तकबिल रोशन है सही ना जमाने के साथ सही चल रहा हूँ अच्छा सलीम साहब दुनिया आप शो में इतने खामोशी से ही बैठे हुए हैं जैसे कि तो जब आप लड़की देखने जाएंगे घर वाले तो फिर आप कैसे बैठे हुए ये घर वाले जाएंगे लड़की देखने मगर आप कहेंगे कि वहां जाइए नहीं मैं भी नहीं कहूँ उनकी मर्जी है जहाँ जाए वाकई बिल्कुल कहते ना तब ये अखबार वाले कितनी गलत रिपोर्टिंग करते हैं क्यों अब क्या अच्छा कुछ कह दिया नेक आदमी है अभी भी आपको कोई फिल्म से ऑफर आई नहीं कभी हीरोइन से आई नहीं मेरा मतलब है कि उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ हीरो का काम है अभी तो कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं अभी तक नहीं हुआ वो तो बाद में होता है नहीं मैं ऑफर आई या नहीं आई नहीं कुछ कुछ नहीं कैसे हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है निगत बाकी नहीं नहीं इश्तहार बहुत मिल रहे हैं आपको दूसरा मिल रहा है ये एलजी वालों का एक शरबत के स्टार में भी आ रहे हैं कौन सा मैंने अखबार में पढ़ा था कि आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं इसमें क्या करेंगे आप क्या करेंगे बनाने जा रहे हैं हम करेंगे वो करवाएंगे हमसे कुछ तो हम करेंगे अच्छा नहीं मतलब क्या स्टोरी बोर्ड क्या अभी तक उन्होंने कोई हिंट्स नहीं दीजिए क्या करना क्या नहीं करना तो जब आप बैटिंग करने जाते हैं तो जो हिंट्स देते हैं उसको तो मानते नहीं आते तो इश्तहार अच्छा ये झगड़ा जो हुआ था अब तो बिटवीन यू एंड मी मतलब ये तो कट जाएगा सेंसर हो जाएगा ये जो साउथ अफ्रीका पिटाई हुई हमारे प्लेयर की तो उसमें गलती किसकी थी मैं नहीं था उन दिनों में साउथ अफ्रीका में आपसे बात करना आपका दोस्त है वो वनडे वो तो टेस्ट मैचेस ड्यूरिंग द टेस्ट मैचेस वहां पे हुआ था ये सब कुछ तो मैं तो नहीं था टेस्ट मैचेस में मैं वनडे ही लेकर
ये सोचा कि इसके वनडे के अलावा भी आप कब खेलेंगे, मतलब बताएं मुझे। अब जो सीरीज आ रही है इसमें खेलेंगे ना? अभी तो कोई ये माजी खान झगड़ा है तो कोई नहीं क्यों? तो फिर आप क्यों नहीं आ रहे थे? नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, क्यों बोर्ड से झगड़ा करा रहे हैं मेरा? मुझे बहुत क्रिकेट खेलनी है। हो जाएगा तो मतलब कोई वजह होना चाहिए ना। हारून रशीद भी तारीफ करते हैं आपकी, माजिद भी तारीफ करते हैं। और साहब इसके बाद ये टीम में रहेंगे नहीं? इसके बाद तो ये टेस्ट खेलेंगे जी, हम तो इनको टेस्ट खेलवाएंगे। हम तो एहतजाज रीगल चौक पे खड़े हो जाएंगे। रीगल चौक पे ये लोग मना करते हैं खड़ोने के लिए, वरना मैं तो रोजाना रीगल चौक पर खड़ा हूं। ट्रैफिक वाले नहीं मना, क्योंकि बात हो रही है इस पर।